हाय एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट बीटेक फर्स्ट ईयर रोड मैप। बेसिकली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आर इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्वियसली, एंड ऑलमोस्ट सबका फर्स्ट सेमेस्टर अब चालू हो चुका है। सो देर आर सम जेनेरिक डाउट्स जो कि आप यार पूछते रहते हो कि व्हाट शुड वी डू अबाउट सोसाइटीज, क्लब्स एंड स्पोर्ट्स, CGPA, हाउ टू मेंटेन कॉलेज लाइफ एंड स्टडीज, उन सबका जो बैलेंस है उसको कैसे हम मेंटेन करके रखें, एंड एवरीथिंग अबाउट फर्स्ट ईयर। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल द थिंग्स दैट यू शुड डू एंड ऑल द थिंग्स जो आपको नहीं करनी चाहिए, राइट, जिससे यार आपका यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर फर्स्ट ईयर, विच इज़ अ वेरी वेरी इन माई आईज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर विथ सेकेंड ईयर ऑफकोर्स, बट फर्स्ट ईयर को मैं थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पॉइंटर लाया हूँ आपके साथ, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर वन चीज़ जो यहाँ पे यार क्या है, दैट इज़ कॉलेज एग्जाम विच इज़ CGPA। सो हेयर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि यार कैसे आप एक तो पढ़ाई कब करनी है, कितनी देर कर सकते हैं। एक तो यार ये है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, बहुत ज़्यादा दे मिसगाइड यू। दे ऑलवेज टेल कि यार कि एक हफ्ते पहले पढ़ाई कर लो यार, एंड यू विल गेट 7 CGPA फॉर श्योर। ठीक है, तो यार देखो हमें 7 CGPA नहीं लानी है। अब एक्चुअली होता क्या है, एक कट ऑफ GPA होती है, जैसे आपका कट ऑफ मार्क्स होता था किसी एग्जामिनेशन में। सो कट ऑफ GPA इज़ बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट कम्स फॉर इंटर्नशिप और फॉर प्लेसमेंट, एंड वो बोलती है कि यार ओके आर कट ऑफ CGPA 7, सो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 7 CGPA आर नॉट अलाउड फॉर द टेस्ट, बट ऑल द स्टूडेंट्स जिनकी 7 CGPA से ऊपर है आर अलाउड फॉर द टेस्ट। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार इसके बाद तो फेयर कॉम्पिटिशन है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मिनिमम 8-8.5 आपको GPA मेंटेन करके यहाँ पे रखनी है, पॉइंट नंबर वन। अब कैसे करना है, कितना पढ़ना है, पॉइंट नंबर टू यहाँ पे ये आता है कि आपको यार एग्जाम से एक वीक पहले, मैं ये देखो होता क्या है कि मेजॉरिटी बच्चे एक दो दिन पहले पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ब्लंडर है, वो कभी मत करना। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फोर्थ ईयर की नहीं कर रहा, बाद में कर लेना मज़े, लेकिन फर्स्ट ईयर में एक दिन पहले पढ़ने वाली गलती मत करना। देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, होस्टलर्स, सीनियर्स हु से दैट ओके यार लास्ट में बस एक दिन पहले मैं पूरी रात जग गया एंड सारा हमारा सिलेबस हो गया। यार फिर मार्क्स वैसे ही आएंगे, आप वही आएंगे कि बस काम चलाओ मार्क्स आएंगे, वो आपको नहीं रखना। और ये एटीट्यूड भी नहीं है कि यार पूरे टाइम बस पढ़ रहे हैं, रोज़ हम पढ़ रहे हैं, डेली हम कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। एक वीक पहले पढ़ना चालू कर दो। एंड अब कहाँ से पढ़े, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, एक तो ऑफकोर्स कोई ना कोई क्लास में टॉपर बच्चा होता है जो नोट्स मेंटेन करके रखता है एंड एवरीथिंग, बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मस्त है यहाँ पे वो ये है कि इफ़ यू गो टू द लाइब्रेरी, यूजुअली हर कॉलेज की लाइब्रेरी में ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी, ऑफ द सेम ब्रांच, सेम सब्जेक्ट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स और 5 ईयर्स, यू कैन गेट देम वेरी वेरी ईजीली। एंड मोर ऑफन देन नॉट जितने आपके फैकल्टीज है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते नए क्वेश्चन को बनाने में, उन्हीं को उठा के फ्री फ्रेम कर देते या फिर उनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो इवन अगर आप सिर्फ उनको भी सॉल्व करके चले जाओ आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना फॉर स्कोरिंग वेरी नाइस मार्क्स। तो CGPA तो यार ये हो गया कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सीनियर्स के चक्कर में नहीं पड़ना, 8.5 GPA रखनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे यार कॉलेज स्टडी की मैं बात कर ही रहा था, तो असाइनमेंट्स और बुक्स की भी यार अभी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट्स आपको कॉलेज में यूजुअली छोटे छोटे मिलते हैं, आपने यार बहुत वीडियोस में बच्चों को रोते हुए सुना होगा यार कॉलेज में असाइनमेंट होते हैं, इतने सब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं, ये सब फालतू की बात है। इंजीनियरिंग के अंदर असाइनमेंट्स आर द सिंपलेस्ट थिंग्स, मतलब दे बिकम द ईजिएस्ट वे फॉर यू टू स्कोर फ्री मार्क्स, असाइनमेंट्स आर फ्री मार्क्स। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे टेप के दो, कॉपी पेस्ट करो, कुछ करो, लेकिन टाइम पे उनको सबमिट करना है, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसको इतना लाइटली मत लेना कि यार उसको टाइम पे सबमिट नहीं करनी है, मिस कर रहे हैं, वो फ्री के मार्क्स आप गवाओगे। बाकी इसमें ऐसा खुद की कोई मेहनत करने की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा बुक्स, यूजुअली बुक्स को PDF फॉर्मेट में ही बच्चे पसंद करते हैं पढ़ना, दे नेवर बाय बुक्स, एंड स्पेसिफिकली कुछ फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स है विच यू शुड बाय, बट सेकेंड हैंड ही परचेज करना, उनको फर्स्ट हैंड का कोई सेंस नहीं बैठता है यहाँ पे। अकेडमिक्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है विच इज़ अटेंडेंस, एंड यूजुअली एवरी सिंगल कॉलेज राइट नाउ, NITs, IITs, द कॉलेज हैज़ अ 75% अटेंडेंस पॉलिसी। अब यार 75% से बच्चे बहुत घबराते हैं कि यार एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ये वो है, लेकिन यार इस चीज़ को यार ऐसे समझो कि इन 4 डेज, इफ़ यू हैव 4 डेज, यू कैन टेक 1 लीव, ओके। इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इन कॉलेज, यू कैन एंटायरली मिस अ सिंगल डे विदाउट एनी सिंगल प्रॉब्लम, राइट? सो बहुत इनफ है, 25% लीव्स आर इनफ इफ़ यू मैनेज देम करेक्टली। स्टार्टिंग में गो टू एवरी सिंगल क्लास, ताकि बाद में यू कैन टेक अ बंच ऑफ लीव्स, एंड इफ समथिंग हैपन्स, तबीयत ठीक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो भी आप आराम से मैनेज कर सकते हो। हालांकि यार इस चीज़ में आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको लापरवाही नहीं करनी, ठीक है?
आपको केयरफुल होना है कि कभी अगर छुट्टियाँ हो भी रही है किसी कारण से करनी पड़ रही है तो आप यार कुछ ना कुछ करके अपने टीचर के पास अगर पहले चले जाते हो ना वो आपकी अटेंडेंस बढ़ा देता है। ये हमेशा होता है, ऑलमोस्ट हर टीचर करेगा अगर आप ढंग से बिहेव करोगे। बस ये नहीं कि आप पढ़ अच्छा रहे हो, आप ढंग से बिहेव करते हो, आप टाइम टू टाइम उसके पास जाते रहते हो कि यार अटेंडेंस बढ़ा दो तो वो कर देगा। हाँ लास्ट दिन आप ये बोलोगे कि यार मेरी 40 से 80 कर दो तो वो टफ होता है, वो भी जाता है, लेकिन आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट एंड यू हैव टू बी यू नो यू शुड गो टू टीचर्स एंड से दैट ओके प्लीज आई वॉन्ट दिस अटेंडेंस एंड ऑल। सो इफ़ यू बिहेव नाइसली वो भी आपका सॉर्ट हो जाता है सारे हद तक एक तरीके से देखा जाए तो। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है इंटर्नशिप को लेके। सबसे ज्यादा बच्चे आर कंफ्यूज कि यार वी वांट टू डू सम इंटर्नशिप्स इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। मेरे अकॉर्डिंग इज अ वेरी बैड मेंटालिटी कि आप पहले साल में ही, अभी आप स्किल्ड भी नहीं हो, आपको आता कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर में एक दो महीने हुए आपको इंटर्नशिप ली है, इसका कोई फायदा नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। उस चक्कर में हो सकता है कोई आप तीसरा स्किल जरूर सीख रहे हो, ठीक है, बट इन दैट केस आप अपनी GPA को यार कॉम्प्रोमाइज करते हो, एंड वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये सब इंटर्नशिप्स एंड छोटी छोटी चीज़ें बाद में आ सकती है, GPA बाद में करेक्ट होना मुश्किल होता है कॉलेज की स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, एंड जो आप स्किल भी सीखते हो बाद में सीखोगे तो जितना लेट करोगे इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर एवरी सिंगल टाइम, राइट। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिक्टली एक इंटर्नशिप्स को लेके एक ओपिनियन है, या तो आपने फर्स्ट 6 मंथ्स में 7 मंथ्स में अपना DSA कंप्लीट कर लिया, अगर आप कोडिंग पढ़ रहे हो तो एक पर्टिकुलर कोर्स निपटा दिया एंड उस चीज़ में आप टीचिंग असिस्टेंट बन रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन बिकम दैट बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा उसी चीज़ को और बेटर करने में, राइट। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग में छोटी मोटी इंटर्नशिप, ग्राफिक डिजाइनिंग, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व मत होना, हो सकते हो बट यूजुअली मत होना। अगर आप बहुत अच्छी हो अकेडमिक्स में एंड आप मैनेज कर पा रहे हो तो हो जाना, वरना आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू दीज काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स इन द फर्स्ट ईयर, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे यहाँ पे कोडिंग। कोडिंग करनी है, यस, फर्स्ट ईयर से ही आपको करनी चाहिए अगर आप टेक के लिए जा रहे हो। थोड़ा बहुत नॉन टेक के लिए भी अगर जा रहे हो तो ट्राई आउट करो यार, अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है आपका। एंड फर्स्ट ईयर से ही आपको कोडिंग करनी है। अच्छी बात क्या होती है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में आपको सी प्रोग्रामिंग मिलता है एज अ सब्जेक्ट, सो प्लीज़ स्टडी दैट वेरी केयरफुली एंड वेरी नाइसली। आई हैव मेड अ प्लेलिस्ट ऑन कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल which is around 40 hours of content and I think in PW Skills Tech also I will be uploading the same in English language. तो अगर आपको हिंदी में देखना है, इंग्लिश में देखना है, सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, बट ढंग से उस चीज़ को करना वो बहुत हेल्प करेगा आपको आगे प्लेसमेंट्स में भी, इन द सेंस कि आपको बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए। फिर आप यहाँ से C++ सीखो, जावा, पाइथन सब कुछ सीख सकते हो एक बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आ जाती है तो, बट फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टार्ट करना है। याद रखना मैं यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इन माई कॉलेज इटसेल्फ जो भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है या फिर जिनका पैकेज ज़्यादा है 20-30 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा, यूजुअली उन्हीं बच्चों की लगी है जो फर्स्ट ईयर से लगे पड़े थे। बच्चे ऐसे थे जो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से जिन्होंने कोडिंग स्टार्ट की, प्लेसमेंट उनकी भी लग गई, लेकिन वही है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस, तो आपको ऑफकोर्स समझनी पड़ेगी ये बातें। लास्टली यार यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट्स है कि क्या कॉलेज सोसाइटीज़ में मेरा क्या ओपिनियन है, एंड शुड यू ज्वाइन कॉलेज सोसाइटीज़ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, एंड विच ईयर शुड यू ज्वाइन कॉलेज सोसाइटीज, विच ईयर शुड यू लीव कॉलेज सोसाइटीज। तो यहाँ पे आई वुड से कि येस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्रामा यू कैन ज्वाइन अ ड्रामेटिक सोसाइटी, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डांस सो देर इज डेफिनेटली 1 or 2 डांस सोसाइटीज, अ सिंगिंग सोसाइटी एज वेल, सम फोटोग्राफी क्लब्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, डिबेटिंग सोसाइटी वेरी यूजफुल। सो यू कैन ज्वाइन दीज सोसाइटीज, येस, इन द फर्स्ट ईयर, बट do not join more than 2 societies. I will recommend only join 1 society. At max you can join 2 for socializing and everything else, right, but not more than 2 societies please, okay, it just aapka load badh jayega isme and koi fayda aapke liye nahi hone wala hai. And also agar any senior comes to you and says ki yaar this particular society will help you in placements, you can write this thing in your resume, it is nonsense. No company will like say favor this thing that you are in some XYZ society or even in a coding society. You can write that thing as in, you know, advancement, but it is of absolute no use. It is just for your fun and yes, for enjoying college life, which is very, very important. You should join one society at least. Lastly, the thing that I missed and you should join, you should at least take part in some kind of sport. Football khelo, cricket khelo, ya kuch bhi aisa karo yaar. लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा स्पोर्ट्स ज़रूर चुनो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, राइट। इट इज़ मच बेटर दैन गोइंग आउट इन कैफेज या फिर दोस्तों के साथ घूमना वूमना, इससे बहुत बेटर है कि आप उनके साथ खेलो, स्पोर्ट खेलो। लास्टली यार आप कॉलेज लाइफ को यार अच्छे से इंजॉय करो, आप वेब सीरीज़ देखो, सारी चीज़ें करो यार कॉलेज लाइफ के अंदर, लेकिन आई वुड से यूट्यूब भी कंज्यूम करो, यूट्यूब पे इंफोटेनमेंट ज़्यादा कंज्यूम करो,
अगर आपको एंटरटेनमेंट लेना ही है तो दूसरे प्लेटफॉर्म से जा सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे ना यार एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत है ही नहीं आपको देखने की। अब यार आप फर्स्ट ईयर में हो और अभी से ही आपको इंटरेस्ट बन रहा है कि यार इसका गूगल में कैसे लगा, तो बहुत सारे लोग ये डाल देंगे गूगल में इसकी कैसे इंटर्नशिप लगी या इस इंसान का कैसे इस कंपनी में लग गया। आपको अभी उससे लेना देना नहीं है, आपको अभी पहले कोडिंग अपनी कंप्लीट करनी है, फिर ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना, राइट? तो इन चीज़ों के चक्कर में इतना मत पड़ जाना कि यार माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस अंदर से कैसा लगता है या अमेजोन का ऑफिस अंदर से कैसा लगता है। दिस वॉन्ट हेल्प यू, राइट? तो इससे अच्छा तो यार प्रॉपर एंटरटेनमेंट देखो या तो, या फिर यू कैन स्टडी। तो यार इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। अगर आप में से कोई BCA का स्टूडेंट है तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन कि यू वॉन्ट अ रोड मैप फॉर BCA फर्स्ट ईयर एज वेल, एंड हम आपके लिए वो वीडियो ला देंगे। बाय।